सर्वोच्च न्यायालय आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, जो हमने पढ़ा कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, जिसमें हमने पढ़ा कि ये दो भागों में बंटी हुई होती है। संघ की व्यवस्थापिका होती है तो संघ की, राज्य की व्यवस्थापिका भी होती है। संघ की कार्यपालिका होती है तो राज्य की कार्यपालिका होती है, और संघ की न्यायपालिका होती है तो राज्य की न्यायपालिका भी होती है। इसमें हमने संविधान के भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 52 से चर्चा शुरू की थी, अनुच्छेद 52 से चर्चा शुरू की थी और अनुच्छेद 123 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम चर्चा शुरू करेंगे अनुच्छेद 124 से, यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो संघ की व्यवस्थापिका हमने पढ़ ली, संघ की कार्यपालिका हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका। तो संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, सीधे कहां जाना अपने को, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में आता है संविधान के, तो भाग नंबर 5 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेदों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद हैं वो 124 से लगा करके 147 तक, अनुच्छेद 124 से लगा करके 147 तक जो अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किया गया। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पीछे के इतिहास की तरफ अगर हम जाए, जो यानी वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, इससे पहले, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन इससे पूर्व क्या था भारत के अंदर, भारत में पहली न्यायिक व्यवस्था कब शुरू हुई, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत है। वैसे तो राजा महाराजाओं का शासन था, उस समय भी न्यायिक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन सही मायने में व्यवस्थित रूप से जो न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो उसकी शुरुआत कब होती है, तो सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी आपको पता होना चाहिए कि 1773 के अंदर भारत में किसका शासन था, रेगुलेटिंग एक्ट इसे मानी जाती है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, उससे भारत में क्या किया जाता है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके तहत क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई, सन 1774 में की गई, और ये की कहां गई तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना कलकत्ता, कलकत्ता में की गई। कलकत्ता वर्तमान में किसकी राजधानी है, कोलकाता जिसे वर्तमान में कहते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो उस समय जो कलकत्ता था वो भारत की राजधानी हुआ करता, ये भी पता आपको कि उस समय जो कलकत्ता था वो क्या था, भारत की राजधानी थी। इसीलिए सर्वप्रथम जो ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया वो सन 1774 में किया गया, और कहां पर किया गया, तो कलकत्ता में किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता से वर्तमान में हमारी राजधानी क्या है, नई दिल्ली, बाद में नई दिल्ली बन गई। 1911 के अंदर दिल्ली के अंदर एक दरबार, जो दिल्ली के राजा महाराजा उनका दरबार बैठता है, उसके अंदर क्या होता है, ये निर्णय लिया जाता है कि कलकत्ता जो राजधानी है उसको कहां ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।
और 1911 के अंदर ये हुआ, और 1912 में क्या हो गया, कलकत्ता से राजधानी कौन सी बन गई, दिल्ली बन गई। तो वर्तमान में तो दिल्ली है, आगे फेडरल कोर्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे हम, फिर वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय इसका मुख्यालय अनुच्छेद 130 के तहत तिलक मार्ग नई दिल्ली उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो भारत में न्यायिक व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय कहां से शुरू हुई थी, तो कलकत्ता से शुरू हुई थी। कौन से एक्ट के तहत शुरू हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के से। अब देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय वो निर्णय देता था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या दिया जाता था, निर्णय दिया जाता था, लेकिन इसकी अपील कहां की जा सकती थी, इसकी अपील यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं थे, उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय था उस समय के सर्वोच्च न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं थे तो आप अपनी अपील कहां कर सकते थे। वर्तमान में अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील राष्ट्रपति के पास कर सकते हो, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं, 1774 में जब ये न्यायालय बना उस समय की बात हो रही है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय से आप संतुष्ट नहीं होते थे तो आप अपनी अपील कहां कर सकते थे, तो ब्रिटिश सम्राट की जो गुप्त जो व्यवस्था थी उसके अंदर जिसे प्रिवी काउंसिल्स कहा जाता है वहां पर आप अपनी अपील दायर कर सकते थे, अंतिम रूप से निर्णय वो करते थे। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं थे तो आप अपनी अपील कहां कर सकते थे, तो आप अपनी अपील प्रिवी काउंसिल। अंतिम अपील कहां कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल के अंदर कर सकते थे, ये बात थी। अब देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया, इस तरीके से चलता रहा। बाद में क्या हुआ, इसी सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है फिर 1935 भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम के स्थान पर इसका स्थान जो किसने ले लिया था, फेडरल कोर्ट ने ले लिया, किसने लिया था, फेडरल कोर्ट ने ले लिया था। अब देखिए इसकी हम बात करें कि ये जो न्यायालय बना था इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्प्रे थे, वो क्या थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से सर्वोच्च न्यायालय के, सन 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो 1974 में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था उसके ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते, जिसका नाम क्या था, सर एलिजा एम्प्रे। उसके बाद में और आते हैं, उनकी अपन बाद में चर्चा करेंगे, भारत के कौन थे इसके अलावा हम बात करेंगे, वर्तमान में कौन है भारत की प्रथम कौन थी, सारी चीजें कर्म वही पड़ेंगे, लेकिन इस चीज को शुरुआत हम अगर इतिहास की दृष्टि से बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि से कि भारत में जो वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान की न्यायिक व्यवस्था है इससे पहले क्या हुआ करता था, तो सबसे पहले ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं मैं कि भारत में सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत, अब आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस तरीके से ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कौन से एक्ट के माध्यम से की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था, सन 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1974 में हुई, 73 में ही आया और 1974 में क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया 1773 में आया और 1774 में इसका इसकी स्थापना हो गई। इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई, तो कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई, कलकत्ता में की गई। अब इसकी अपील जो इसका जो निर्णय आता था उस निर्णय की आप अपनी अंतिम अपील कहां पर कर सकते थे, तो प्रिवी काउंसिल्स जो इंग्लैंड के अंदर था वहां पर आप कर सकते थे। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहली बार जब इसका गठन हुआ तो सर एलिजा एम्प्रे थे, वो क्या थे, इसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो यहां तक आ गया आपके समझ में, अब आप इस चीज को नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए आगे 1935 का भारत शासन अधिनियम,
यह आपने पढ़ रखा है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, इससे पहले 1909 का भारत शासन अधिनियम भी पढ़ रखा है आपने, 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ रखा है, लेकिन 1935 का, 1919 वाले में क्या हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन वाला सिस्टम दिया था, यानी निर्वाचन वाला जो तरीका था वो अलग अलग दे दिया था, सिखों को दे दिया था, मुसलमानों को दे दिया था, बाकी वालों को दिया नहीं था, इस तरीके से विरोध हुआ था बहुत जबरदस्त। 1919 का अधिनियम आप पढ़ोगे इतिहास के अंदर अगर आपकी है तो, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके अंदर एक बार वापस पुनः न्यायालय की बात की गई और इसी अधिनियम के तहत सन 1937 के अंदर, सन 1937 में भारत में संघीय न्यायालय या इसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1937 के भारत शासन अधिनियम में। अब इस फेडरल कोर्ट का गठन कहां पर हुआ था, तो फेडरल कोर्ट का गठन दिल्ली में किया गया। दूसरी बात, फेडरल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई, फेडरल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है 1+7=8, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, तो 8 रखी गई। एक प्लस 7=8 ये फेडरल कोर्ट में तय हुआ, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 8। अब देखिए फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सर मोतीस गोयल। सर मोतीस ग्वालियर को बनाया गया, इसका क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, किसका, फेडरल कोर्ट का। अब कई बार क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में किस प्रकार के कोर्ट की स्थापना की गई, तो भारत में फेडरल कोर्ट, या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का आधार है वो पूर्व का कौन सा कोर्ट माना जाता है, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का ही स्थान भारत में किसने ले लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है, इसके जो उद्घाटन करता थे एमसी शीतलवाड़, जो प्रथम महान्यायवादी हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इससे पूर्व भारत में ये कोर्ट चलता था, लेकिन इसकी अपील है उसकी अगर हम बात करें, इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है, की जाती थी, इसकी जो अंतिम अपील है वो कहां की जाती थी, प्रीवी काउंसिल के अंदर की जाती थी। इससे पहले जो सन 1774 में बना उसकी अंतिम अपील कहां की जाती थी, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल क्या है, तो प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन के अंदर सम्राट का एक
गुप्त मतदान सिस्टम वाला प्रणाली, वहां पर क्या है इसकी जांच की जाती थी, जो भी न्यायिक व्यवस्था है गुप्त न्यायिक व्यवस्था के बारे में चर्चा होती थी वहां, और वहां पर अंतिम अपील आप कर सकते थे कौन से, फेडरल कोर्ट के खिलाफ और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय 1774 वाला सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान वाला नहीं, फिर कह रहा हूं आप अभी भी सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, लेकिन उस समय के सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, 1774 के सर्वोच्च न्यायालय की बात। उसकी अपील आप प्रिवी काउंसिल में कर सकते थे, इसकी भी अपील आप प्रिवी काउंसिल में कर सकते हो, लेकिन अब हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है, संप्रभु है। हमने जब प्रस्तावना पढ़ा तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, पढ़ा था। संप्रभु का मतलब क्या हो गया कि भारत में निर्णय लेने की शक्ति भारत स्वयं के पास है, किसी दूसरे देश के गुलाम भारत नहीं है, या किसी दूसरे देश के कहने से धमकी से भारत अपने निर्णय नहीं बदल सकता है। भारत अपने निर्णय दूसरे देशों के साथ चाहे संधियां हो चाहे व्यापार हो अपनी इच्छा अनुसार करेगा, और देश के अंदर राज्यों में क्या करना है ये भी निर्णय भारत स्वयं कर सकता है। तो अब क्या हो चुका है, भारत स्वतंत्र हो चुका है, इसलिए आप अपनी अंतिम अपील अब वो प्रिवी काउंसिल में नहीं कर सकते हो। अभी अगर आपका जो मुकदमा है चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी अंतिम है, लेकिन उसकी एक याचिका वो आप कहां ले जा सकते हो, अंतिम अपील के रूप में भारत के राष्ट्रपति के पास जा सकते हो, राष्ट्रपति ने जो निर्णय दे दिया वो फाइनल है, इसे आगे आप नहीं जा सकते। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो सन 1937 में इसी अधिनियम के तहत सन 1937 में संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। क्या नाम था, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का गठन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कहां पर किया गया, कलकत्ता में। जो पहले क्या था, भारत की क्या थी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 के अंदर। 1911 में दिल्ली दरबार रखा गया था, और उसके बाद में इसकी राजधानी को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया। और फेडरल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1+7 बराबर कितने हो गए, 8, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 1+7 बराबर 4, उसके बाद में 1+3 बराबर 4 हो गए। फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मोजिस ग्वालियर, ठीक है। और इस कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप अपनी अंतिम अपील कहां कर सकते हो, प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है, और उसकी भी कहां पर की जा सकती है, प्रीवी काउंसिल। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार, चलो लिखिए फिर अपन आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए अनुच्छेद 124(1), 2, 3, 4 तक काम जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 124(1) क्या कह रहा है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी ये हमारे संविधान की बात हो रही है। इतने दिन तक तो हम संविधान से पहले की बात कर रहे थे, इतने समय जो हमने बात की है, जो दो पहले कोर्ट की हमने बात की, वो संविधान से पूर्व की बात थी, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय शुरू होता है, और अनुच्छेद 124(1) में क्या लिखा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो 1+7 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो 1 मुख्य न्यायाधीश और 1 तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संविधान में तो इस बात का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 1+33 वाला आंकड़ा चल रहा है। संविधान में बढ़ाने वाला घटाने वाला ये सिस्टम नहीं है, लेकिन संविधान में ये बात जरूर लिखी गई है कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ ध्यान रखना, आगे ये बात लिखी गई है, संविधान निर्माताओं को पता था
कि आने वाले समय के अंदर क्या है, देश के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अपराध ज्यादा करेंगे, जब लोग अपराध ज्यादा करेंगे तो मुकदमे भी ज्यादा होंगे और जब मुकदमे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, निर्णय देने के लिए लोग न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में जाएंगे तो वहां पर निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की संख्या भी ज्यादा चाहिए, ऐसी स्थिति में इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उससे पहले एक क्वेश्चन में आपके सामने रख लेता हूं कि भारत में न्यायाधीशों को संख्या है उनके बढ़ाने का काम कौन करता है? भारत में मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो जवाब देगी। भारत में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने, अभी मैंने कहा कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं को पता था कि आगे ऐसा हो सकता है और ये काम आगे किया जा सकता है, ये करेगा कौन, ये बात यहाँ कही गई है। देखिए भारत में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ाएगा? तो भारत में न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बढ़ा सकता है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत बढ़ाया जा सकता है, या फिर न्यायिक नियुक्ति अधिनियम के तहत बढ़ाई जा सकती है, या फिर संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है। संसद द्वारा कानून बना करके इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखना संसद है वो क्या है, कानून ला करके न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये संसद के पास क्या है, अधिकार है। तो उस समय क्या था, अनुच्छेद 124 ए के, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो 2008 तक यह आंकड़ा चलता रहा, लेकिन इसके बाद में इनकी न्यायाधीशों की संख्या निरंतर बढ़ती गई, बढ़ती गई, संसद द्वारा ये काम किया जाता है। इसके अंदर और क्या बात लिखी गई है, और लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इनकी न्यायाधीशों की सदस्य संख्या और बढ़ा सकता है, संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्य संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा कानून बना करके इसकी संख्या को क्या है, बढ़ाया जा सकता है। अगली बात कि सर्वोच्च न्यायालय होगा ये बात लिख दी गई, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। अगर आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो आप क्या बताओ, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, राज्यों में हाईकोर्ट होता है, ये आगे टॉपिक आएगा, भाग 6 नंबर में तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछ लू कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये तो हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन आपको कोई पूछ ले कि आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान के नागरिक हो, राजस्थान में रहते हो, इसकी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आपका क्या जवाब आएगा, नहीं पता। ऑप्शन नंबर एक 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1949, और ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1949। अब सब 30 मार्च बताएंगे, 28 जनवरी बताएंगे, और
अब 30 मार्च की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, इसलिए सब का ध्यान उधर ही गया कि भाई उसी दिन हाई कोर्ट बना होगा। गलत, योर आंसर इज रॉन्ग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर की गई थी। बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? जोधपुर कर दिया गया। इसकी एक खंडपीठ जनवरी 1977 के अंदर जयपुर के अंदर बनाई गई, बेंच जिसे कहते हैं अपन, ठीक है, पीठ। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी, ध्यान रखना। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। अब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन करता, सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन करता थे एमसीसी तलवार। ये क्या थे? भारत के महान्यायवादी थे। महान्यायवादी होता अनुच्छेद 76, बातें नहीं बोली। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा जो सरकारी वकील यानी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है। महान्यायवादी होता है वो सरकार की तरफ से अपना क्या रखता है? पक्ष रखता है। तो उस समय भारत के प्रथम महान्यायवादी थे एमसीसी तलवार। इसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। सर्वोच्च न्यायालय के, अब अगली बात करें हम, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच आर शेखानिया या हीरालाल शेखानिया। कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप सब पकड़ लेना, कानिया। कानिया हीरालाल जे कानिया, ठीक है। अगर वर्तमान का पूछ ले आपको तो एक मिनट, अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो ध्यान रखना 48 में वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है नातुलावती रमन्ना, नातुलावती रमन्ना। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और ये 48वें न्यायाधीश कौन से? 48वें मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले 47 रह चुके हैं, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, ठीक है। नाथुलावती रमन्ना ये 48वें जो क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा राजस्थान की तरफ लेके चलूं तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको पूछ ले कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन से दे दोगे आप? चलो ऑप्शन दे रहे हैं, पर्सन मैंने पूछा तो ध्यान आप इधर नहीं था, अब ध्यान दे दीजिए। राजस्थान के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी राजस्थान उच्च न्यायालय उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री अकील कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी कमलकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री, ध्यान से देखो सुनो पहले, ऑप्शन नंबर डी जल्दबाजी नहीं करनी, ऑप्शन नंबर डी कि मोहनलाल सोखाड़िया, श्री कमलकांत वर्मा। श्री कमलकांत वर्मा थे, वो क्या थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में इसका ऑप्शन मैंने अभी साथ दे रखा है, अकील अहमद कुरैशी जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी आपने ये समझ लिया होगा कि अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर आप पूछ लें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो गठन है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद है सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसकी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रावधान अनुच्छेद 124(1) के अंदर किया गया। कौन से में? अनुच्छेद 124(a) कि उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, ये भी बात कही गई है कि एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश। उसी में एक बात और लिखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्य संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है। संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा कानून बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अगर ये पूछ लिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई, तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन है एमसी सीतलवाड़, जो भारत के महान्यायवादी थे, उन्होंने प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल, वर्तमान में भारत के क्या है? महान्यायवादी। तो एमसी सीतलवाड़ थे, इन्होंने क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान में कौन है? एन वी रमन्ना, जो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं। किसको बनाया जाता है? जो वरिष्ठतम होता है उसको बनाया जाता है। वरिष्ठतम यानी उम्र के हिसाब से नहीं, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा काम किया है उसे ही। अभी शरद अरविंद बोबड़े ने इस्तीफा दे दिया, शरद अरविंद बोबड़े रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट होने के बाद में उसके स्थान पर मुख्य न्यायाधीश वही बना जो उस सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जितने भी न्यायाधीश थे उनमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय में उसने काम किया, तो वो थे एन वी रमन्ना। इसके बाद में और जो भी बनेगा वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय में जिसने काम किया है इसी वरिष्ठता के आधार पर इसका क्या है? नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जब हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से संबंधित बात की थी तब मैंने बताया था कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और किसकी नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? कौन करता है? राज्यपाल। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे पढ़ो रोजाना, घर जाके पढ़ के आया करो, जो चीज बताई वो चीज कभी भी आपको पूछे तो जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार आप आंसर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश थे वाई.बी. चंद्रचूड़, और ये कब बने थे? 1978 में बने थे और 1985 तक रहे, ये इनका कार्यकाल है 1978 से 1985 का। इसके अलावा हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल वाले
सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है वो थे एम सी। इनके कार्यकाल की बात करें 25 नवंबर से 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ये अपने पद पर रहे थे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा एक बात और रह गई कि सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश अब तक कितनी बनी है। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल 8 बन चुकी है। कितनी? 8। लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक भी नहीं बनी है, सारी क्या है? अन्य न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बीबी फातिमा। बीबी फातिमा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हंसना नहीं, ऐसे नाम है तो उसमें क्या कहने वाली बात है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी तक 0 है, कोई नहीं बनी अभी तक। महिला ऐसी कोई नहीं है जो जाके मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जाकर बैठी, लेकिन अन्य न्यायाधीशों में जरूर। सर्वोच्च न्यायालय में कुल अन्य महिला न्यायाधीश कितनी बनी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली प्रथम महिला अन्य न्यायाधीश, यानी अन्य न्यायाधीशों के तहत बनी थी, मुख्य न्यायाधीश में नहीं बनी, अन्य न्यायाधीश, प्रथम महिला अन्य न्यायाधीश ये थी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आईएएस प्री तक, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश। देखो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बीबी फातिमा, ठीक है, या फिर सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, या कोई नहीं, तो क्या आपका आंसर आएगा? कोई नहीं। अगर ये प्रश्न इसको चेंज करके डाल दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली जो महिला अन्य न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी? बीबी फातिमा। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, महिला न्यायाधीश है, ना अन्य दिया ना मुख्य दिया, तो इसका मतलब भी क्या आएगा? बीबी फातिमा, ठीक है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश बन चुकी है? अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 महिला अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी है, अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी है। 8 महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। तो ये थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण बातें अनुच्छेद 124 के तहत हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 124-2 जो हमें क्या बात कर रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बात कर रहा है, उसकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।